के जल्दी आ जा। आज करीब दोपहर बाद 2:30 बजे के आसपास हमारे इंस्पेक्टर सीआई धर्मवीर सिंह को कोई गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लड़के चोरी के मोटरसाइकिल पर सवार हैं और चोरी और मोटरसाइकिल करने की फिराक में बेगू रोड पे आएंगे। तो इन्होंने अपनी टीम में अमरपाल एएसआई मुकेश और बाकी कर्मचारियों को भेजा था। उन्होंने नाकाबंदी की तो 2-4 लड़के काबू आ गए, जिनमें सरवजीत सनोफ गुरजीत है, एक सुखविंदर जगीर सिंह का है, एक विनोद सनोफ रामस्वरूप है और एक राम नाम का लड़का है। ये सभी सिरसा रहने वाले अलग अलग कॉलोनियों के। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने 12 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी चोरी करके बरामद करवाई हैं, जिनमें 2 मोटरसाइकिल तो हमारे सिटी थाना के एरिया में मुकदमे दर्ज हैं, 3 हमारे सदर के एरिया के हैं, 1 हमारा हिसार का मिला है, बाकी 8 व्हीकल जो हैं उनके इंजन नंबर चेसी नंबर से कहां FIR दर्ज हैं वो हम पता करेंगे। अभी थोड़े समय में इन 1.5 घंटे के दौरान 12 व्हीकल बरामद किए हैं, बहुत बधाई के पात्र है टीम हमारी। और बाकी क्या और पूछताछ करेंगे, कल इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। हम उम्मीद है हमें और भी काफ़ी व्हीकल चोरी के इनसे बरामद किए होने की उम्मीद है। अभी तो देखो 1 घंटा पहले ही हमने इनको राउंड अप किया है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पूछताछ के बाद ही हम क्लियर करेंगे इसमें क्या क्या सामने आता है वो आपसे शेयर करेंगे। ये लोकल हैं, नौजवान हैं, 2 एक तो प्रीतनगर का है, एक कांडा कॉलोनी का है, 2 शाहपुर बेगू रोड के हैं। पहले कोई अपराधिक रिकॉर्डिंग का वो सारा चाबी चेक करके आपको बाद में शेयर करेंगे। मोटरसाइकिल को देख लेते थे, कोई अंदर किसी दफ्तर में गया, किसी काम गया, चेक करके वो अपना ताला तोड़ के मोटरसाइकिल ले जाते थे तार हटा के। देखिए सारी डिटेल हम आपको इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले इनको राउंड अप किया है। 1 घंटे में इतना काम करना, 12 मोटरसाइकिल करना, ये काफी मेहनत का काम है। सर ये पूरा जो जखीरा, जो मोटरसाइकिलों का जो जखीरा है 12 बाइक, ये सिरसा से ही बरामद किए हैं सर? अलग अलग जगहों से? सिरसा से ही, इनके अपने ठिकानों पे खड़े थे वो वहां से लेके आए। सर ये इसको बेचते थे ये चोरी के बाइक या आगे वो सप्लाई? अब अगले इसमें पूछताछ में है ना, जो इंटरोगेशन में जो आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे और कल इनका रिमांड भी लेंगे कोर्ट में पेश करके, और जो जो तथ्य सामने आएंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, दुनिया ही उम्मीद पर जीती है, हम भी उम्मीद पे हैं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि पकड़ने के बाद सर की चोरियां बंद हो जाएं।